इस गर्मी से बचने के लिए हम लोग जाते हैं पहाड़ों की ओर को। वाकई में आपको ऐसा लगेगा कि आप हेवन में आ गए। आज हम खाएंगे गोभी की सब्जी, ये इसमें लगी है गोभी। ये देखिए गाइस कितने आलू निकल गए हैं। हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल एडवेंचर विद बॉबी भैया। इस वक्त हम लोग आए हैं शॉपिंग स्ट्रीट पे, तो यहाँ पे ले रहे हैं चाय का मजा। ये हमारे बिन्नी भैया हैं, इन्हीं की ये स्ट्रीट है। जैसा कि गाइस आपको पता है प्लेस में काफी गर्मी पड़ रही है और आजकल टेम्परेचर बहुत ऊपर चढ़ा जा रहा है, तो इस गर्मी से बचने के लिए हम लोग जाते हैं पहाड़ों की ओर को, पहाड़ों की खूबसूरत वादियों में। तो आज हम फिर से निकले हैं एक ऐसी जगह जहाँ पे एक बहुत खूबसूरत सा फॉल है, जिसका नाम है भालूगढ़ फॉल। सो गाइज हम लोग आ गए हैं पहाड़ों की खूबसूरत वादियों में। उत्तराखंड अपनी खूबसूरती के लिए, अपनी नदियों के लिए, अपने झरनों के लिए बहुत ही फेमस है। तो आज मैं उन्हीं में से एक फेमस झरने पे आपको लेकर जा रहा हूँ, जिसका नाम है भालूगढ़ फॉल। ये तकरीबन भीमताल से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आज मैं आपको ले जाऊंगा इस नेचुरल वाटरफॉल पे और उसके बाद ले जाऊंगा आपको एक ऑर्गेनिक विलेज में कि वहां पे कैसे सब्जियां होती हैं, कैसा उनका रहन सहन है, कैसा खाना होता है। आज वहीं खाना खाएंगे, चलिए चलते हैं। ये सीधा पेड़ों की जड़ से आ रहा जो नेचुरल स्रोत बने हैं वहां से पानी आ रहा, ये नेचुरल स्प्रिंग वाटर है। ये पानी जो है ऐसा लग रहा है कि वो फ्रिज का ठंडा पानी हो और ये पूरा मिनरल से भरा होता है। तो आप इस पानी को पी सकते हैं, बहुत शुद्ध पानी है और आपके पेट के लिए बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों मैं इस वक्त खड़ा हूँ श्री सोमवारी बाबा जी के आश्रम के बाहर। बाबा जी एक बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति थे। ये जो आश्रम है इस वक्त ये पदमपुरी में स्थित है। बाबा नीम करोड़ी महाराज इनको अपना पूज्य गुरु मानते थे। कहते हैं कि यहाँ पे एक गुफा है, वो गुफा सीधे हरिद्वार निकलती है और ये भी कहा जाता है कि बाबा नीम करोड़ी महाराज भी उसी गुफा के रास्ते सोमवारी महाराज जी से मिलने आते थे। हमारे लिए बनी है सैंडविच और चाय, ब्रेकफास्ट करते हैं उसके बाद चलते हैं आगे। हम लोग पहुंच गए हैं भालूगढ़ वाटरफॉल और बहुत करीब है उसके, उसकी जो एंट्रेंस गेट है वहां पे है। यहां से हमने टिकट लेनी है और फिर जम जाएंगे भालूगढ़ वाटरफॉल। हम लोग वाटरफॉल वाले रास्ते पे आ गए हैं, बहुत अच्छा रूट है, आप ट्रैक करके जा सकते हैं। सो हम लोग हैं भालूगढ़ वाटरफॉल के काफी करीब। तो यहाँ से दो ऑप्शन है, या तो आपको जिप लाइन से जाना पड़ेगा या पैदल वॉक करके जा सकते हैं स्टेयर से। मैंने ऑप्शन लिया है जिप लाइन का, चलिए मैं जिप लाइन के थ्रू यहाँ से जाऊंगा। जिप लाइनिंग के लिए तैयार हो रहे हैं, तो हार्नेस रेडी है। रेडी रेडी सर। एक हाइट के बाद इतना मजा आता है, जब वहां पर थोड़ा हल्की होती है तो पूरा नीचे दिखाई देता है। तो जिप लाइन तो हो गई है, लेकिन नीचे पहुंचते ही मुझे एक कैंपिंग रिजॉर्ट मिला जिसका नाम है द हेवन। और वाकई में आपको ऐसा लगेगा कि आप हेवन में आ गए, इतने खूबसूरत, इतना पेड़ों के बीच में। एक बार आप देखिए इनके टेंट्स। तो गाइस लंच में बना हुआ है राजमा चावल और साथ में प्याज है, अचार है, तो क्या मस्त हो रहा राजमा चावल। सो गाइस हमारा लंच हो चुका है, अब निकलते हैं भालूगढ़ वाटरफॉल की तरफ। काफी छाया है यहाँ पे और ऐसे रोड पे चलने में बहुत मजा आता है। अच्छा ये बताओ ये पेड़ कहाँ का, वो बताओ। बुराज का। कुछ ही दिन पहले एक लेपर्ड यहाँ से गिर गया नीचे और यहाँ उसकी डेथ हो गई थी। हो सकता है हंटिंग कर रहा हो, हंटिंग करते हुए फिसल गया हो। जब आप इस ट्रैक पर आएंगे तो आपको अपने रेस्ट करने के लिए, अपना पानी में कहीं एंजॉय करने के लिए बीच बीच में ऐसे स्पॉट बनाए गए हैं जहाँ पे आप अपना रेस्ट कर सकते हैं। इस रूट पे छोटी छोटी दुकानें हैं, आपको वहाँ पर जूसेस मिल जाएंगे, आपको बच्चों के लिए मैगी मिल जाएगी, आपको छोटा मोटा स्नैक्स भी यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। आप यहाँ पे रोप साइकिलिंग भी कर सकते हैं, इस रोप पे आपको साइकिल चला के उस पॉइंट पे जाना है। तो है ना काफी एडवेंचरस। हम लोग पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे जो था भालूगढ़ फॉल। चलिए आपको दिखाता हूँ कितना खूबसूरत सा फॉल है।
सो गाइस वाटरफॉल के मजे ले लिए हैं, काफी मजा आया, काफी एंजॉय किया यहाँ पे, और सारे लोग देखिए किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। एक बार मैं व्यू दूं आपको वाटरफॉल का। काफी इंटरेस्टिंग रहा वाटरफॉल। अब हम लोगों को शायद वापस जाना चाहिए क्योंकि हमें एक ऑर्गेनिक विलेज में जाना है, तो चलते हैं ऑर्गेनिक विलेज में। हमारा जोरो भी हमारा इंतजार कर रहा है क्योंकि डॉग को यहाँ अलाउड नहीं था लाना, तो चलिए चलते हैं और जोरो से मिलते हैं और उसके बाद जाएंगे हम ऑर्गेनिक विलेज। तो गाइज हम लोग पहुंचे थे वाटरफॉल पे, यहाँ एक मैम मिली है जिनका नाम है कंचन। तो कंचन एक योगा टीचर है, ये हमें फिटनेस के बारे में थोड़ा कुछ बताएंगी और हम लोग कैसे फिट हो ये भी ये बताएंगी। मेरा नाम कंचन है और यस मैं एक फिटनेस ट्रेनर हूँ, और मैं थोड़ा घर के खाना को खाते हुए आप अपने आप को कैसे हेल्दी फिट और यंगर बना सकते हैं सम डाइट ऑफ न्यूट्रिशन के साथ। और मेरा मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों मॉर्निंग सेशंस चलता है थ्रू योगा सेशंस, और उसमें हम बताते हैं लोगों को कि कैसे हम मेडिसिन फ्री लाइफ बना सकते हैं। अच्छा लगा आपको सुन के। हम बरेली से, बरेली से वही आइएगा वही रुकिएगा। गाइस पहुंच गए अपनी गाड़ी में, अब हम जा रहे हैं उस ऑर्गेनिक विलेज में, बिल्कुल हमारे पास में ही है। दिखाता हूँ आपको वहाँ पे क्या क्या सब्जियाँ होती हैं, क्या क्या फ्रूट्स होते हैं। सो गाइस जो मेरे पीछे आप गांव देख रहे हैं, ये है एक ऑर्गेनिक विलेज। यहाँ पे देखिए किस तरीके से स्टेप फार्मिंग की है, और बहुत ही खूबसूरत गांव है। कुछ दृश्य आपको इस गांव के दिखाता हूँ। दोस्तों पहाड़ में आए और काफल न खाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता, काफी काफल यहाँ पर तोड़ लिए हैं। सो गाइस मैं पहुंच चुका हूँ उस ऑर्गेनिक विलेज में जो है पोखराड़ में। ये धारी से तकरीबन 1-2 किलोमीटर की रेंज पे है। मैं देखिए मेरे ऊपर जो लगे हैं ये प्लम ट्री हैं, और प्लम लगे हैं बहुत सारे। ये देखिए ये पीच लगे हुए हैं। भाई गाँव की जो वाइब्स है ना वो अलग ही है, यहाँ के इतना मजा आ रहा है। ये जो आप पेड़ देख रहे हो ना सारे आलू के पेड़ हैं, यहाँ पे आलू लगाया जाता है और बहुत अच्छा आलू यहाँ पे होता है। मेरे चारों तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी है। आगे मैं आपको गोभी दिखाता हूँ, बहुत सारी वेजिटेबल्स यहाँ पे हैं। आइए सबसे मजे की बात ये बताऊं कि ये पूरा गांव ऑर्गेनिक है, और जितनी भी वेजिटेबल्स यहाँ पे हो रही है सारी ऑर्गेनिक है। तो मैं एक बार आपको वेजिटेबल्स में जितनी भी वेजिटेबल्स होती है एक बार सारी दिखाने की कोशिश करूंगा। गाइस ये है पोटेटो के पेड़ यानी कि आलू के पेड़। ये जो पेड़ देख रहे हैं, पौधे देख रहे हैं आप, अरबी के पत्ते हैं, इसमें अरबी होती है यानी कि पिनालू भी बोलते हैं। और ये जो आप गोभी देख रहे हैं ये बंद गोभी है। देखिए कितना सुंदर खेत लग रहा है, कितने प्यारा लग रहा है। एक बार दर्शन करके आते हैं यहाँ गाँव का जो शिव मंदिर है, भगवान शिव के दर्शन। जय भोले शंकर। ये बहुत ही पौराणिक भगवान शिव का मंदिर है, इस मंदिर की बड़ी मान्यताएं हैं। ये बहुत ही पुराना मंदिर है। आज इस गांव को आप देखिए पूरा गांव फली फुली थे सिर्फ इन्हीं के आशीर्वाद से। तो एक बार बोलेंगे जय भोले बाबा। आप ये पत्थर देख रहे हैं यहाँ पे, ये स्लेटे हैं, ये मकान बनाने के भी काम आती है। इस पत्थर को छतों में यूज किया जाता है जिससे टेम्परेचर मेंटेन रहता है, जाड़ों में गर्म और गर्मी में ठंडा। जीव के साथ साथ यहाँ मत्स्य पालन का कार्य भी किया जाता है जिसे मछलियाँ पाली जाती हैं। तो ये पॉन्ड बनाए गए हैं, इसके अंदर मछलियाँ हैं, और इसी पानी को ये खेतों में डालने के भी काम आता है। गाइस ये सेब के पेड़ है, ये मैंने अपने फार्म हाउस में भी लगाया हुआ है यही सेब। कितने सारे सेब लगे हुए हैं देखिए, कितना सारा आड़ू लगा हुआ है यहाँ पे। वाओ मैं इस वक्त हूँ इस ऑर्गेनिक विलेज में, और मैं आया हूँ यहाँ कुछ वेजिटेबल लेने। तो चलिए मैं दिखाता हूँ क्या क्या वेजिटेबल्स यहाँ पे, और अभी आप अपने हाथ से वेजिटेबल तोड़ेंगे और उसकी बनवाएंगे सब्जी। गोभी की खेती हो रखी है यहाँ पे, ये गोभी है, और कैसे गोभी होती है मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। देखिए ये लगी है इसके अंदर गोभी, अभी मैं तोड़ता हूँ उसे। आज हम खाएंगे गोभी की सब्जी, कैसी होती है गोभी आइए। ये गोभी का प्लांट है, ये इसमें लगी है गोभी, ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है, इसकी खुशबू ही बहुत अलग है। वो तो थी फुल गोभी, अब मैं दिखाता हूँ कि बंद गोभी कैसी होती है, कैसा उसका प्लांट होता है। ये बंद गोभी है, कुछ दिनों में ये बर्ड्स बंद होने लगी हैं और ये बंद गोभी बन जाएगी। देखिए ये वाली कुछ बनने लगी है, बहुत सारी गोभियाँ लगी हुई हैं, और यहाँ पे बहुत सारे आलू लगे हैं। तो मैं कुछ आलू निकालूंगा। बहुत लोगों ने आलू का पेड़ देखा नहीं होगा, ये आलू का प्लांट है, और आलू इसके ऊपर नहीं होता, इसके नीचे आलू होता है। अभी आप आलू खोदते हैं ना थोड़ा सा उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। जो प्लांट हल्के हल्के पीले हो गए इसमें उतना बड़ा आलू निकलेगा और अच्छा आलू निकलेगा। ये देखिए गाइस कितने आलू निकल गए हैं, एक ही पेड़ में इतने सारे आलू निकल गए हैं।
इसमें कोई भी पेस्टिसाइड नहीं पड़ता है, यहाँ पे यूरिया और इनका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। कितने सारे मिर्च के पेड़ लगाए हैं। तो गाइज ऐसी होती है गाँव की लाइफ। अब हमने जो सब्जियां तोड़ी है इनकी सब्जी बनाते हैं, इन्हें यही चूल्हे में बनाएंगे, लकड़ी के चूल्हे में, और फिर यही बना के हम लोग इन सब्जियों का मजा लेंगे। पहुंचे हम कमलेश के घर में। नमस्कार। नमस्कार, ठीक है आप? कमलेश की मम्मी है, कमलेश के पिताजी। गाइज हमारे बर्तन तैयार हो गए हैं खाना बनाने के लिए, एक बार मैं दिखाता हूँ आपको। इसमें इस तरीके से मिट्टी लगाई जाती है कि ये काले ना पड़े। सारे बर्तन हमारे तैयार हो चुके हैं, इनमें बनेंगी हमारी अलग अलग सब्जियाँ। ये वही ऑर्गेनिक आलू है जो हमने खेत से तोड़े थे, और यही वो गोभी है जो हमने खेत से तोड़ी थी। ये लहसुन है, ये भी इसी गाँव का है। तो मन्नू भैया बना रहे हैं आज हमारे लिए बिल्कुल ऑर्गेनिक सब्जी, यहीं से तोड़ी हुई खेत से। जल्दी से बनाते हैं और फिर इसका मजा लेते हैं। ये है असली गांव की वाइब्स। अभी हमारा चूल्हा जल गया है और इसी पे खाना बनेगा, ये ऑर्गेनिक फूड। ये है चूल्हे की रोटी का मजा। जब भी हम चूल्हे में रोटी बनाते हैं ना, इसका अलग ही टेस्ट आता है। ये जाके हाथ की रोटी। आज खाना हमारा रेडी है, ये सैलेड है, रोटियां बनी है चूल्हे की, और ये बनी है हमारी आलू और गोभी की सब्जी। ये बना है मटर पनीर। गाइज हम लोग ये आलू और गोभी की सब्जी खा रहे हैं, बिल्कुल ऑर्गेनिक है, इसका टेस्ट ही अलग है। हल्की हल्की मीठी हो रही है, इनमें बहुत ज्यादा टेस्ट में फर्क है। चलिए खाना पीना हमारा हो चुका है, समय पे यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि काफी लंबा रूट है, थोड़ा पैदल भी हमें वॉक करके जाना है। तो चलिए टाइम पे चलते हैं।